यूरोप की तरह एशिया में भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। जिद्दी तानाशाह किम जोंग उन लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है। आठवीं परीक्षण के लिए वो बेकरार है। दक्षिण कोरिया और जापान को धमका रहा है और ऐसे में अब अमेरिका भी खुलकर सामने आ चुका है। अमेरिका ने किम जोंग उन को आठवीं वार्निंग दे दी है। अमेरिका ने कहा है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो अब कुछ भी हो सकता है। सिर्फ 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाले उत्तर कोरिया के एक तानाशाह ने पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है। कभी मिसाइल परीक्षण, कभी गोला बारूद, और जब इससे भी दिल ना भरा तो परमाणु धमाका। किम की इसी बारूदी सनक ने पूरी दुनिया के वजूद को ही खतरे में डाल दिया है। हालत ये हो चुकी है कि अमेरिका जैसा देश जो परमाणु बम बोलने से भी परहेज करता है, वो भी अब किम को काबू करने के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दे रहा है। The DPRK needs to understand that the United States' commitment to the security of the ROK and to Japan is ironclad, and we will use the full range of U.S. defense capabilities to defend our allies, including nuclear, conventional, and missile defense capability. अमेरिका को यह परमाणु चेतावनी इसलिए जारी करनी पड़ी है क्योंकि किम के बारूदी धमाकों ने उसके करीबी दक्षिण कोरिया और जापान की नींद उड़ा रखी है। सीरियल मिसाइल धमाकों के बाद अब किम परमाणु विस्फोट करने के लिए बेताब है और इस खबर से ही दक्षिण कोरिया और जापान पूरी तरह सहम उठे हैं। उत्तर कोरिया ने सितंबर में अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को लागू कर न्यूक्लियर हथियारों के मनचाहे इस्तेमाल की संभावना को बढ़ा दिया है। इसने कोरियाई क्षेत्र में टेंशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। पूर्वी एशिया में जापान और दक्षिण कोरिया दो ऐसे देश हैं जिनके दम पर अमेरिका चीन पर लगाम लगाता है और चीन किम को उकसाकर अमेरिका के सहयोगियों की नींद उड़ाता रहता है ताकि अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। पूर्वी एशिया में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की ये लड़ाई बरसों से जारी है, लेकिन चीन में शी जिनपिंग के तीसरी बार कुर्सी संभालने के बाद अब परमाणु खतरा हकीकत बनता जा रहा है और इसका ट्रेलर 2022 के शुरुआत से ही मिलना शुरू हो गया था। साल की शुरुआत से लेकर अब तक उत्तर कोरिया ने 27 राउंड मिसाइल का परीक्षण किया है। बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर क्रूज मिसाइल तक का टेस्ट किया और जापान के आसमान तक में मिसाइल उड़ाकर खलबली मचाई। किम के ये परीक्षण इस बात के संकेत माने जा रहे हैं कि उसका परमाणु प्लान अब पूरा हो चुका है। दक्षिण कोरिया के दावे के मुताबिक किम ने उत्तर कोरिया में परमाणु परीक्षण के लिए एक गुप्त साइट बनाई है। उत्तर कोरिया में किम की यह तीसरी सीक्रेट साइट है। परमाणु परीक्षण का गुप्त ठिकाना पहाड़ी में बनाया गया है। 2017 में किम ने पुंगेरी साइट का परीक्षण भी किया था। अब 5 साल बाद किम फिर अपनी परमाणु ताकत दिखाने को बेताब है और माना जा रहा है कि उसे चीन से शी जिनपिंग की हरी झंडी का इंतजार है जो किसी भी दिन मिल सकती है। दरअसल जिनपिंग भी तीसरी बार गद्दी संभालने के बाद अमेरिका को ये संदेश देना चाहते हैं कि उनका खेमा कमजोर नहीं है और इसके लिए किम से बेहतर दांव नहीं हो सकता।